बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने झाबुआ में चुनाव प्रचार किया और कहा कि 9 महीने का कमलनाथ शासन भी आपने देख लिया और हमारा 15 साल का, आप दोनों का आंकलन कीजिए और फिर बीजेपी को वोट दीजिए। मिश्रा ने भरोसा जताया कि उपचुनाव में जीत। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने झाबुआ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी भानु भूरिया के समर्थन में प्रचार किया। मिश्रा ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान मुझे कमलनाथ सरकार के झूठे वादों, गलत इरादों से पीड़ित गरीब शोषित वंचित किसान का असहनीय दर्द महसूस हुआ। मिश्रा ने कहा, जनता ने हमारा 15 साल का शासन भी देखा है और कमलनाथ का 9 महीने का, आप दोनों का आंकलन कीजिए और फिर बीजेपी को वोट दीजिए। ये कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार है जिसके एक प्रत्याशी कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया, एक प्रत्याशी भाजपा के भानु भूरिया है। ये अंतर दोनों में, अगर भानु भूरिया जीतेगा तो भाजपा की सरकार बनाने के लिए हाथ उठाएगा, कांतिलाल जीतेगा तो कांग्रेस के लिए हाथ उठाएगा। तय आपको कर रहे हैं गांव गरीब किसान की, झुग्गी झोपड़ी के इंसान की और महिलाओं के सम्मान की चिंता करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है मेरे कार्यकर्ता बनने। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव प्रचार के दौरान झाबुआ में बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की कि महाजनसंपर्क अभियान चलाकर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार की पोल खोलकर रखते और भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की सरकार और कमलनाथ की 9 महीने की सरकार का अंतर भी मतदाता को समझाइए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।